हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे आपके क्लास 9 का चैप्टर 1 है, जिसका लेक्चर 4 है। ये आपका लेक्चर 4 है, ये आयरन सीरीज चल रही है ये आपकी। तो यहाँ पर आयरन सीरीज में चैप्टर 1 है, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका लेक्चर 4 है। तो यहाँ देखिए एवोपरेशन, एवोपरेशन के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर ये सरफेस फिनोमिना, जो एवोपरेशन है वो क्या है, सरफेस फिनोमिना है। इन विच लिक्विड चेंज इंटू वेपर, जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे भी आपने देखा होगा, जैसे आपने एक गिलास में वाटर रखा, छोड़ दिया, तो वो एवोपरेट हो रहा है, वो वेपर में वेपर बन के उड़ जाएगा। आपको ग्लास में थोड़े टाइम बाद, आप उसको एक दिन बाद देखेंगे तो आप उसको देखेंगे थोड़ा कम हो गया वाटर का लेवल, तो वो क्या हुआ, एवोपरेशन हो गया, वेपर बनकर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो उड़ गए। बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, किसी भी टेम्परेचर पे होगा, बट शर्त ये है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस उससे नीचे, उसको आप एवोपरेशन कहेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो अलग कंडीशन होगी। एवोपरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर चाहिए, किसी भी टेम्परेचर पे होगा। पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए सपोज ये वेसल है, कंटेनर है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर वाली सरफेस पर, जो ऊपर की तरफ है, वो सरफेस के मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल आप सपोज करिए, ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में इधर से फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ये वाला मॉलिक्यूल लगा रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल इधर से अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, और इधर से भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, नीचे भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इस पर चारों तरफ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बट सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है इस पर ये वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है और ये लगा रहा है, ऊपर की तरफ कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा ऊपर की तरफ, यहाँ पर चारों तरफ से लग रहा है इस वाले मॉलिक्यूल पर, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस पर चारों तरफ से लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर नहीं लग रहा। अब जब इसको टेम्परेचर मिलेगा, कुछ भी टेम्परेचर हो, 25 डिग्री सेल्सियस, 35 या 40 डिग्री सेल्सियस या अभी जो टेम्परेचर है वो मिल जाए, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है उस टेम्परेचर पे एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, इसको दूसरा अट्रैक्शन फोर्स तो नहीं मिल रहा ना, एक इसकी वैलेंसी चारों तरफ से चाहिए, इसको तीन तरफ से मिल रहा है, एक वैलेंसी खाली है, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी लेकर। अच्छा ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसको चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है, जिससे इसका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो रहा है, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में टक्कर होगी, तो टक्कर से इस पर भी ये फोर्स जो है लगाएगा ये वाला मॉलिक्यूल। पेन का कलर चेंज करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इस पर फोर्स लगाएगा, टक्कर मारेगा, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको और एनर्जी मिल जाएगी, तो ये वेपर बन जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल। इसी तरह सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए एवोपरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है। पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा मिलती है उनके पास, एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाई है इसकी, देन अदर, सो दे ब्रेक हो जाते हैं, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था यहाँ से ये ब्रेक होकर वेपर बन जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्ट इनटू वेपर। ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप घर पर देखते हैं, जब आपका फ्लोर वगैरह धुलता है, घर पर सफाई होती है, तो जो पानी फ्लोर पर गिरा हुआ होता है पूरे में फैला हुआ होता है, या फिर आप पोछा वगैरह लगाते हैं, तो गर्ल्स ऐसा ज़्यादा करती हैं, पोछा लगाती हैं या अपने घर की सफाई कर रही हैं, घर को जो फ्लोर है उसको वॉश कर रही हैं, तो उसमें जो
पानी होता है सरफेस पे, जो पानी होता है सरफेस पे फैला हुआ होता है वो एवोपरेट होता है, वेपर बनकर उड़ जाता है, तभी तो बाद में हमारा फ्लोर सूख जाता है। अगर एवोपरेशन प्रोसेस ना हो तो क्या घर हमारा सूख जाएगा? अगर हमने पोछा लगाया है या फिर उसको धोया है तो क्या वो सूख पाएगा? नहीं सूख पाएगा। ऐसा समर में एवोपरेशन रेट ज़्यादा होगी समर में, क्योंकि वहाँ पर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए एवोपरेशन रेट ज़्यादा होगी। और जो बारिश वाला मौसम है, अभी का जो मौसम चल रहा है बारिश का मौसम, यहाँ पर सूखता देर में है। जो फ्लोर है आपका, आप उसको धो दें या पोंछ दें तो सूखेगा देर में। क्यों? क्योंकि अभी नमी का एटमॉस्फेयर है, पानी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो और टेम्परेचर भी इतना सफिशियंट नहीं है जितना समर में होता है, तो वो जो टेम्परेचर है उसमें कम टेम्परेचर पे एवोपरेशन कम होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे एवोपरेशन ज़्यादा होगा। और जब ह्यूमिडिटी या नमी होगी बारिश के मौसम में तो एवोपरेशन की रेट भी कम होगी। आगे हम इसकी बात करेंगे, ओके? तो यहाँ पर आप समझ गए एवोपरेशन के बारे में, सरफेस फिनोमिना है ये, तभी तो हमारा फ्लोर सूख जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर ये सन है, सन क्या कर रहा है? हीट दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है। ये वाटर है, ये सब क्या है? वाटर की सरफेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोपरेट हो रहे हैं, में एवोपरेशन हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पर एवोपरेशन प्रोसेस हो रहा है। ये जो पानी है ये गर्म पानी है, हीट बनकर हीट इस ये एब्जॉर्ब करके एवोपरेशन हो रहा है, तो ये प्रोसेस है एवोपरेशन की। वेपर के फॉर्म में जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो ये लिक्विड है एवोपरेशन में वो क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है किसी भी टेम्परेचर पर एक्सेप्ट बॉइलिंग टेम्परेचर, तो उसको एवोपरेशन प्रोसेस कहेंगे आप, ओके? तो यहाँ पर देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, एवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो डिपेंड करता है किस पर? एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस मिलेगा हमें ऊपर का जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं जितने ज़्यादा मिलेंगे सरफेस एरिया पर, तो उतने ही ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो एवोपरेशन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज, एवोपरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। बी देखिए इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा पार्टिकल की। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किससे इंक्रीज होती है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो और जल्दी जल्दी वेपर बनेंगे, एनर्जी मिल रही है मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है तो और जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होगी। यहाँ पर ये देखिए ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, जब एयर में नमी होगी अगर ज्यादा होगी तो एवोपरेशन की रेट कम होगी, अगर लो होगी तो एवोपरेशन की रेट जो है वो ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। मोर ह्यूमिडिटी लेस एवोपरेशन, क्योंकि पहले से ही पानी मौजूद है एटमॉस्फेयर में, तो जो पानी है वो वेपर में बनेगा तो नहीं बन पाएगा ना, पहले से ही वेपर मौजूद है पानी की वेपर एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होता है? कम एवोपरेशन होता है। ये देखिए विंड, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज, अगर आप विंड की हवा की स्पीड इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी वही इंक्रीज हो जाता है। आप फैन चला देते हैं तो आपका जो फ्लोर होता है वो जल्दी सूखता है, जल्दी सूख जाता है, या कोई भी चीज़ है जल्दी सूख जाएगी, तो विंड की स्पीड इंक्रीज करेंगे तो एवोपरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। एवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, जब भी एवोपरेशन की बात आएगी तो वो क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। कैसे कूलिंग इफेक्ट देता है एवोपरेशन? जब भी हमें हमारी बॉडी में पसीना क्यों आता है हमको गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में क्या होता है? टेम्परेचर सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा होता है और हमको क्या होता है? स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि जब पसीना आता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है, कूल फील होता है, ठंडा फील होता है। क्यों होता है ठंडा? जो वाटर होते हैं, जो हमारे स्वेट आता है, वो वाटर जो है जब वेपर में कन्वर्ट होता है
उसके लिए हीट चाहिए उस वाटर को, तो हमारे जो आसपास की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर कर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हीट जो है वो ले जाता है वेपर के फॉर्म में, तो इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट शो हो रहा है, फील होता है कूलिंग इफेक्ट, तो इसलिए हमें पसीना आता है गर्मी के मौसम में ताकि हमारी बॉडी कूल रहे। तो जब भी कभी भी जब लिक्विड वेपर में चेंज होगा तो उसे क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उसके लिए हीट चाहिए होती है, वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो जो हीट है वो सराउंडिंग से मिल जाती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन हो गया, जो हाई टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का वो डाउन हो गया, तो हमको गर्मी कम लगेगी, विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल, गर्मी कम लगेगी क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, और वो जो टेम्परेचर कम क्यों हुआ क्योंकि वाटर से वेपर बना उसमें हीट चली गई इसलिए टेम्परेचर कम हो गया, हीट ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, हीट कम तो टेम्परेचर कम, सिंपल, इसीलिए हमें कूलिंग इफेक्ट ही शो होता है। एग्जाम्पल देखिए कूलिंग इफेक्ट के, फर्स्ट है व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड, जब आप अपने हाथ में एसीटोन लेंगे, एसीटोन लिक्विड होता है, एसीटोन जो कि नेल पेंट में यूज़ किया जाता है, नेल पेंट रिमूवर होता है, तो आप उसको जब अपने हाथ में लेंगे एसीटोन को तो वो एवोपरेट हो जाएगा, एवोपरेट जब होगा तो आसपास के जो आपके पाम की जो हीट है उसको लेकर एवोपरेट होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है ये, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में, तो ये वेपर बनेगा, तो आपके हाथ की जो हीट है पाम की जो हीट है उसको लेकर एवोपरेट होगा, तो टेम्परेचर भाई कम हो गया तो आपको कूल फील होता है, ठंडा सा महसूस होगा आपको, आप कर कर देखिए, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा एक्सपेरिमेंट है, टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील कूल, ठंडा फील होगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, भाई गर्म फील कब होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तभी तो आपको गर्मी लगती है, टेम्परेचर जब कम ही हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो आपको कूल फील होगा। सेकेंड देखिए एग्जाम्पल, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ इन समर टू कीप कूल, हम लोग समर में क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं, कैसे कंफर्टेबल, एज कॉटन इन गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर, गुड एब्जॉर्वर होता है वाटर का, जो स्वेट आता है कॉटन के क्लोथ उसे सोख लेते हैं, सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड एक्सपोज इट टू एयर फ्रॉम एवोपरेशन ऑफ स्वेट दस कूल अवर बॉडी, अब वो जो स्वेट है लिक्विड फॉर्म में वो वेपराइज होगा, एवोपरेट होगा, तो क्या फील हो रहा है आपको, ठंडा फील होगा कि भाई जो एनर्जी है बॉडी की या आसपास की एनर्जी है सराउंडिंग की वो लेकर वो एवोपरेट हो गया, तो आपको कूल फील होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि जो हीट थी उसकी वजह से वो गर्म था टेम्परेचर, वहाँ पर ज़्यादा थी गर्मी, अब जब वो हीट जो है वो एवोपरेशन में खर्च हो गई, लूज हो गई, तो आपको तो ठंडा फील होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। थर्ड देखिए, ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर, आपने देखा होगा जब गर्मी होती है तो छत पर पानी का छिड़काव करते हैं, पानी लेके जाते हैं बाल्टी में, सब लोगों ने किया होगा, तो जो छत है उस पर छिड़काव करते हैं पानी का, ऐसा करते क्यों, दिस वाटर टेक्स हीट, जो छत पर जो वाटर आपने छिड़का है वो वाटर हीट लेकर जो छत पर जो सरफेस है छत की सरफेस वहां से हीट लेकर या सराउंडिंग के आसपास की हीट लेकर एवोपरेट हो जाता है जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा और वहां पर आपको ठंडा फील होगा, फ्रॉम द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू एवोपरेट दस मेकिंग द प्लेस कूल, और वो जगह आपको ठंडी फील होगी, ठंडी फील होगी, ऐसा सिंपल है, हीट को कम कर दीजिए तो टेम्परेचर जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगा और आपको ठंडा फील होगा, तो ये सारे काम आप कर चुके हैं, कॉटन क्लोथ भी आप समर में पहनते हैं, आपने छत पर पानी का भी छिड़काव फूक किया होगा, और यहाँ पर एसीटोन का आप एग्जाम्पल, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप कर कर देखिएगा, एसीटोन जो है हैंड जो कि आप घर में यूज़ होता है, ये आपकी नेल पेंट रिमूवर होता है, गर्ल्स के पास होता है, नेल पेंट को रिमूव करने के लिए एसीटोन यूज़ होता है, इसका फॉर्मूला जो है वो CH3CO CH3 होता है, ये एसीटोन का फॉर्मूला है,
आप इसको अपने पाम में रखिएगा, हाथ पे रखिएगा, वो जब एवोपरेट होगा तो आपको ठंडा फील होगा पाम पर। ओके, कर कर देखिएगा, अच्छा लगेगा। वॉट यू हैव लर्न, अब ये जो है ये आपके NCERT में दिया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। देखिए आप मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे हाल के हाल। और वैसे भी पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो आप ये वाले पॉइंट्स जो जो आपको याद रखनी है वो देखिए। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। कोई भी चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग, जो जिंदा हो या मरी हुई हो, जिसके पास जिंदगी मतलब लाइफ नहीं हो लाइफ, तो वो क्या होती है, मैटर होती है। चाहे वो क्या हो सकती है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ये टेबल चेयर हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, ये सब क्या है, मैटर है। और ये मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट भी हमने आपको बता दिया है। एक द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट के फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से थ्री स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बारे में बता दिया आपको, ये सब याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होता है सॉलिड में, इंटरमीडिएट होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी तो इसके मॉलिक्यूल गैस के सबसे दूर होते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने आपको बताया, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी जो गैस में होता है। यहाँ देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में मोस्ट ऑर्डर्ड होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पास पास होते हैं, ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज होते हैं पार्टिकल सॉलिड के। इन द केस ऑफ लिक्विड लेयर द पार्टिकल कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, वाइल फॉर गैसेज देयर इज नो ऑर्डर, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रेंडमली। तो यहाँ पर जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं वो स्लिप करती है, लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है, इसीलिए तो इसमें फ्लूडिटी करेक्टर होता है, बहते हैं लिक्विड और गैस, सॉलिड नहीं पाएगा। और यहाँ पर जो रैंडमली है मूवमेंट पार्टिकल्स के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है गैसेस के, तो रैंडमली मूवमेंट करते हैं, कहीं पर भी कोई भी पार्टिकल जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया। अब यहाँ देखिए, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं, आप टेम्परेचर अप्लाई कर दीजिए या प्रेशर लगा दीजिए। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, चेंज कर सकते हैं आप टेम्परेचर को और चेंज कर सकते हैं प्रेशर को, तो स्टेट ऑफ मैटर जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड, अगर गैस से जो गैसियस स्टेट है, ये जो सब्लिमेशन है सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस मिल रहा है आपको गैस, तो उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। जैसे कि कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है, डायरेक्ट कन्वर्ट होती है। कपूर की बोली कैम्फर। अब देखिए, बॉइलिंग इन द इज अ बल्क फिनोमेना, बल्क में होता है, सारे मॉलिक्यूल्स बॉयल होते हैं बॉइलिंग में, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब एक साथ बॉयल होते हैं, तो ये बल्क फिनोमेना है, बल्क में होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क होल, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब बॉयल हो रहे हैं, ऑफ द लिक्विड चेंज इन टू द वेपर स्टेट, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं पार्टिकल्स, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहे हैं, वेपर में, तो उसको बॉइलिंग कहेंगे। एवोपरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, जो एवोपरेशन है वो क्या है, सरफेस फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इन टू द वेपर, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए किसी भी टेम्परेचर पे होते हैं ये चेंज, लिक्विड से किस में, वेपर में चेंज, ये गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं ये।
कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके लिए हीट एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है वो आसपास के सराउंडिंग से मिल जाती है और ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? एवोपरेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोसफियर। तो ये सरफेस एरिया का फिनोमिना है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी एवोपरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस पे पार्टिकल्स बिखरे हुए होंगे, मिलेंगे आपको, उतने ही ज़्यादा एवोपरेशन की रेट होगी। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करता है ना, इस सब पे ही तो डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे एवोपरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे एवोपरेशन कम हो जाएगा, विंड की स्पीड बढ़ा देंगे तो एवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा। एवोपरेशन कूलिंग को कॉज करता है क्योंकि जो आसपास के एटमॉस्फेयर है उसकी हीट को लेकर वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब हीट ले रहा है तो टेम्परेचर को डाउन करेगा आसपास के। टेम्परेचर कम होगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडा महसूस होगा। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? ये 1 atmospheric प्रेशर पे होता है जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, वेपर में कन्वर्ट हो। और प्रेशर कितना होता है? 1 atmospheric प्रेशर होता है। टेम्परेचर 100 degrees Celsius होता है। इसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे आप वाटर का। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है वो देखिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो एनर्जी है जब आप वाटर को देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर जो है वो कितना हो? 1 kg, 1 kg वाटर हो। 1 kg वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तब आप उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो 180 m, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। अगर 1 kg नहीं है तो आप इसको नहीं कहेंगे। जैसे 2 या 3 kg है तो आप इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं कहेंगे, आप 1 kg के लिए ही इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई मेल्ट हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। शर्त क्या है? 1 kg सॉलिड होना चाहिए, राइट, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट आपको टेबल दी गई है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी दी गई है और ये यूनिट्स हैं और इसके सिम्बल्स हैं। तो यहाँ देखिए, सम मेजरेबल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट टू रिमेम्बर, आपको याद रखेंगे ये सब। टेम्परेचर को आप केल्विन में याद रखेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन। लेंथ है, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और यहाँ पर मास है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम होती है, ऐसा ही यूनिट है ये सब। वॉल्यूम है, ये वेट जो है वो न्यूटन में है, न्यूटन है। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर पास्कल में। यहाँ पर ये सब यूनिट्स हैं और ये जितने भी यूनिट्स हैं ये एसआई यूनिट्स हैं, तो आपको इनको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर सिंबल है, ये कैपिटल के है केल्विन के लिए, मीटर के लिए स्मॉल m है, kg की किलोग्राम है ये, और ये जो n है वो न्यूटन है, और mq जो है वो मीटर क्यूब है, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। इसका मतलब ये m into m into m वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो ये जो है लेंथ और ये जो ब्रेड है और हाइट जो है वो सब मीटर में आप कैलकुलेट करेंगे, तो जो मीटर है वो मीटर क्यूब आएगा, इसलिए ये मीटर क्यूब है। यहाँ पर यहाँ देखिए डेंसिटी, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। मास को आपने किसमें कैलकुलेट किया? यहाँ पर ये मास है, इसको आपने कैलकुलेट किया है किलोग्राम में, किलोग्राम kg। और वॉल्यूम को आपने किसमें किया है? मीटर क्यूब में, ये जो वॉल्यूम है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा?
किलोग्राम मीटर क्यूब, यूनिट आ जाएगी इसकी, इसलिए इसकी किलोग्राम मीटर क्यूब है। अगर इस मीटर क्यूब को आप ऊपर यहाँ पर रखेंगे, ऊपर उठाकर रखेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, किलोग्राम मीटर माइनस का 3 मीटर क्यूब, ये प्लस का था और यहाँ पर ऊपर उठाकर रखेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। सिंपल। पास्कल है तो पास्कल का पीए ले लीजिए, प्रेशर पास्कल में आप इसको, इसकी यूनिट है, इसको मेजर करेंगे पास्कल को, प्रेशर को पास्कल में, तो यहाँ से पीए उठा लीजिए, पीए सिंपल पास्कल है ये प्रेशर की यूनिट, तो आप ये सब याद रखिएगा। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग ये कंप्लीट हो रहा है, और इसका हमने आपको पूरी पूरी तरह बहुत अच्छे से बताया आपको ये चैप्टर, और आपका फिनिश होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, राइट। चैप्टर 2 में आप कंटिन्यू करिएगा, और यहाँ पर अगर आपने अभी तक एलिट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए, उनके साथ शेयर करिए एलिट क्लासेस के बारे में, और हमारे लेक्चर को भी शेयर करिए, आप लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उनका फ़ायदा हो सके स्टूडेंट्स का। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि किसी भी तरह का कोई मैसेज है, आपको पूछना है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।